गाइस, तो आज आपको कुछ खास दिखाने वाला हूं, क्या होने वाला है खास, आइए प्लीज कम हियर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। और जैसे आप सभी को पता है कि जब हम स्टडी करते हैं, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है किताबें, क्योंकि किताबों के बिना हम जो है अपनी तैयारी पूरी नहीं कर सकते। और किताबों के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है लाइब्रेरी। किसी भी सेंटर की अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो लाइब्रेरी का होना आवश्यक है। हमारे संस्थान यानी कि कंपटीशन कम्युनिटी के सभी सेंटर्स पर आपको लाइब्रेरी की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं हमारे हेड ऑफिस यानी कि बिलासपुर के लाइब्रेरी के बारे में कुछ चुनिंदा तथ्य, मतलब ऐसी कुछ सुविधाएं जो आपको स्टूडेंट्स को यहाँ पर दी जा रही हैं, उनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एंट्रेंस है। हमारे यहाँ पर जितने भी स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, फ्रंट डेस्क के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बैठते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका जो निराकरण है इन महानुभवों के द्वारा किया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं अंदर। सबसे पहले हम आपसे मिलाने वाले हैं हमारे लाइब्रेरी की जो मेन इंचार्ज मैम है, पौष्मी मैम से। तो मैम यहाँ पर बैठी हैं और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उन सभी के लिए अलग से यहाँ पर रैक दिया गया है, एक सुविधा दी गई है ताकि वो अपना बैग जो है यहाँ पर रख सकें। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स है, यहाँ पर मोर देन 2000 किताब आपको मिलने वाली है। और ये सभी की सभी किताबें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं एग्जाम्स का, जब हम बातें करते हैं विभिन्न सब्जेक्ट का, स्पेशली अगर मैं बातें करूं मेंस का, तो हमको बुक्स की नीड पड़ती है। और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कम से कम 2 से 3 ऑथर के ऑथेंटिक किताबें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन किताबों की जो संख्या है वो एक नहीं, आपको मल्टीपल यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहां पर हमारे पास लाइब्रेरी की सुविधाएं दी गई हैं। हमारे पास और भी बुक हैं जो कि रिजर्व रखे गए हैं, हमारे गोडाउन पर है, वहां पर स्टोर रूम में आपको अन्य जो किताबें वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर आपको बताने वाला हूं, प्लीज यहां पर आप दिखाएंगे, स्टूडेंट्स को बहुत सारे जब एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं, या फिर अगर मैं बातें करूं सीबीटी एग्जाम जब वो देते हैं, तो उनको आवश्यकता होती है कंप्यूटर की। हमारे लाइब्रेरी में यह कंप्यूटर सुविधा भी दी गई है ताकि कोई बच्चा यदि अपना सीबीटी प्रैक्टिस करना चाहे तो यहां पर आके वो कर सकता है। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। ये आपको सेपरेट कैबिन मिलेगा। सेपरेट कैबिन का मतलब ये है कि कोई बच्चा जैसे यहां पर पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, उसके बगल में कोई और बच्चा यहां पर पढ़ेगा तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मतलब कई बार होता यूं है, अमूनन हम देख पाते हैं कि जो लाइब्रेरी में एक साथ पूरे की पूरे कैबिन दे दी जाती है, बट यहां पर वैसा नहीं मिलेगा। आपको सभी के लिए इंडिविजुअल जो है सुविधा यहां पर देखने को मिलेंगी। कुशनिंग चेयर्स आपको मिलेंगे, मतलब ये नहीं कि हमने स्टूल लगा दिए या फिर प्लास्टिक के या फिर लकड़ी के चेयर, ऐसा नहीं रहेगा, आपको कुशनिंग चेयर मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों को देख पा रहे हैं बड़े ही ध्यान से यहां पर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आइए कुछ चर्चा करेंगे इन विद्यार्थियों से, थोड़ा सा समय लेंगे आप सभी का। तो जैसे यहां पर हमारी स्टूडेंट है, आप अपना नाम बताएंगे। बरखा जी, बिल्कुल। तो आप कौन से बैच में स्टूडेंट हैं? आप ही प्रिलिम्स इंटीग्रेटेड मॉर्निंग में, ओके। तो बरखा जी, कैसा सुविधा यहाँ पर लग रहा है आपको, मतलब हमारी लाइब्रेरी की सुविधा कैसी लगती है आपको, क्या कहना चाहेंगे? लाइब्रेरी की सुविधा बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल। पढ़ाई बहुत फोकस के साथ होता है, बिल्कुल। और हम लोग दूसरी सिटी से हैं तो यहाँ पे आके पढ़ने का एक अलग अच्छा माहौल होता है, बिल्कुल। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में बहुत अच्छा फील, बहुत अच्छा माहौल, बहुत पढ़ने की जो सुविधाएं हैं जी जी, पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी की जो सुविधाएं बहुत अच्छी है जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरे सिटी से आए हुए होते हैं, दूसरे जगह से आए होते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ही हो जाता है कि वो घर में पढ़ाई करें या फिर जिस पीजी में रहते हैं वहाँ पर पढ़ाई करें ना करें, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लोकल होते हैं, मतलब हो सकता है जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ की अगर मैं लाइब्रेरी की मैं बातें करता हूँ, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ताकि यहाँ पर आके वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रख सकें। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार यहाँ पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो एयर कंडीशन एसी क्लासरूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब विद्यार्थियों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, गर्मी से संबंधित या मौसम से संबंधित कोई भी दुविधा यहाँ पर नहीं आने वाली है, आराम से कूल होकर वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी अन्य सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। जैसे अगर मैं बता दूं, जब यहाँ पर आप आते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं कि उनको नेट के माध्यम से कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, अपडेट करनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई भी दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि ये सुविधा जो है वो किन विद्यार्थियों के लिए है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं,
किसी भी मोड में अगर उन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे हमारे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हों, चाहे उन्होंने हमारा टेस्ट सीरीज खरीदा हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड के विद्यार्थी हों, कोई सभी स्टूडेंट जो कि कंपटीशन कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो बच्चा यहाँ पर आके पढ़ सकता है। आप बोलेंगे सर कि समय क्या रहता है, इसकी समय की अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो मॉर्निंग से लेकर वो नाइट तक जब तक यहाँ पर हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं, तब तक वो इस लाइब्रेरी की सुविधा का फायदा उठा सकता है। मतलब अगर मैं यूं कहूं तो एक विद्यार्थी एवरेज दिन में जितने घंटे पढ़ाई करता है उतने घंटे या उससे अधिक घंटे यहाँ पर आके वो बैठकर अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा लाइब्रेरी का ऑफिस टूर और आप सभी को उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं किसी न किसी रूप में तो इसका फायदा जरूर उठा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में आप भी इसका फायदा जरूर उठा पाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ यानी कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।